हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बात करेंगे स्प्रे के बारे में जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए स्प्रे आते हैं, कई सारी कंपनियां बना रहे हैं। अपन किसी एक कंपनी का नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। उनका काम क्या है कि आपके लिंक पर आपको स्प्रे करना है, इससे आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि भाई अब वो सेक्स करते हैं स्प्रे लगाकर तो उनको फील नहीं आता। जाहिर सी बात है, वो आप सेक्स करते हैं लेकिन आपको मज़ा नहीं आता, टाइमिंग खिंच जाती है लेकिन मज़ा नहीं आता। तो इसका क्या कारण है और क्या सॉल्यूशन है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और टाइमिंग भी बढ़ेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, होता क्या है कि प्रीमैच्योर एजुकेशन की समस्या तो बहुत आम है आजकल, ठीक है ना। एक मिनट से कम समय का अगर जिसका एजुकेशन टाइम होता है उसे अपन प्रीमैच्योर एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति का कितना भी टाइम हो सकता है। इन चीज़ों पर ध्यान ना दें आप कि एक घंटा होता है, दो घंटा होता है, सब कुछ नहीं होता। नेचुरली 5-7 मिनट ही होता है, ठीक है ना। ये नेचुरल है। अगर आप कोई ड्रग वगैरह लेंगे, सिलेनाफिल वगैरह ये सब, तो थोड़ा बढ़ सकता है। कोई स्प्रे लगाएंगे थोड़ा बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है, आप जब इस तरह के माहौल में रहते हैं, आपको चाहते हैं कि भाई आप अपने समय पार्टनर के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ दवाइयाँ ढूंढते हैं और आपको मिलता है स्प्रे, जेली, क्रीम, कई तरह की चीज़ें आती हैं। सबका काम क्या होता है, आपके लिंग के अंदर एक नमनेस ले आना। नमनेस मतलब कि एक सुन्नपन। आप उसको छुएंगे आपको खुद ही महसूस नहीं होगा कि आपका लिंग है या नहीं, तो सुन्नपन आ जाता है और इसलिए वो टाइमिंग भी बढ़ जाती है। अब होता क्या, जितने भी ये स्प्रे आ रहे हैं किसी भी कंपनी का, सब में होता क्या है, लिग्नोकाइन या लिडोकाइन, ये कंपोजिशन होता है। और ये आप स्प्रे करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। लिडोकाइन क्या होता है, एक एनेस्थेटिक ड्रग होता है। एनेस्थेटिक ड्रग आप जानते ही हैं कि भाई एनेस्थीसिया वो होता है कि आप कभी भी कोई इंजरी की सर्जरी कर रहे हो या कोई बड़ा ऑपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे एनेस्थीसिया ड्रग्स को दिया जाता है। तो ये एक लोकल एनेस्थीसिया ड्रग है, मतलब कि आपकी स्किन को उतना हिस्सा सुन्न कर देता है। वहाँ पे आप काटो, चीरा लगाओ, कुछ आपको पता नहीं चलता। तो ये बेसिक इसका साइंस है। जब भी आप सेक्स करने से पहले इस तरह के स्प्रे को यूज़ करते हैं तो आपके लिंग के अंदर एक सुन्नपन आ जाता है। इससे क्या होता है कि जाहिर सी बात है, आप जब सेक्स करते हैं तो एक सेंसेशन, मतलब कि वजाइना की जो रगड़ होती है, सेंसेशन होता है, उससे ही आपको जो है माइंड उसको रेडी होता है कि एजुकेशन करना या नहीं करना। तो उस सेंसेशन को रोक दिया जाता है तो आप सेक्स करते रहते हैं, आपको फील नहीं होता। तो ठीक है, टाइमिंग तो बढ़ जाता है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, क्या करें। देखो, जितनी भी ये क्रीम्स हैं या कितने भी स्प्रे हैं, इन सब का आप जब यूज़ करें तो ये चीज़ माइंड में रख लें कि ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। आपकी वाइफ को, आपकी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए आप कर रहे हैं इसका इस्तेमाल, क्योंकि उनको पूरा फील आएगा, उनको पूरा बोल सकते हैं मज़ा आएगा, आपको नहीं आएगा। तो ये आप अपने मन में पहले ही रखें कि आपको मज़ा नहीं आएगा, अगले व्यक्ति को मज़ा आएगा। तो एक और चीज़, इसको आपको डेली यूज़ नहीं करना है। कोई भी स्प्रे हो जिसके अंदर लिडोकाइन है, उसको आपको डेली यूज़ नहीं करना है। हालांकि सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इनका, लेकिन फिर भी आप, जाहिर सी बात है, केमिकल है वो। जब आप ऐसे सेंसिटिव जगह पर ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे सुबह शाम रात दिन, तो कहीं ना कहीं क्रैक्स आएंगे, वहाँ की स्किन फट सकती है, वहाँ पर छाले हो सकते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पर जो है सेंसिटिविटी के कारण आपको एलर्जी हो सकती है। तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना, कभी कभार चलता है। अब आती मेन काम की बात कि भाई मज़ा कैसे आए। देखो, होता क्या है कि लिंग में एक ट्रायंगल होता है नीचे की तरफ, उस जगह पर आपको सिर्फ लगाना थोड़ा सा स्प्रे, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, पूरा ही लगा लेते हैं, तो उस वजह से उनको सेंसेशन बिल्कुल ही नहीं आ पाती है। तो उस ट्रायंगल पे लगाना है ताकि आपका टाइमिंग भी बढ़ सके और आपको थोड़ा सा फील भी आए। बस यही इसका आंसर है कि आपको नीचे की तरफ आपको खुद ढूंढना पड़ेगा 2-3 बार लगाकर कि आपको किस जगह पे एक ही स्प्रे करना, एक या दो स्प्रे करना, आपको बोलते कि मज़ा भी आएगा और आपका टाइम भी बढ़ेगा। तो यही चीज़ होती है दोस्तों। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अपनी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर सकते हैं, 40% ऑडियंस ही चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं शिवम एक फार्मासिस्ट हूँ जो देता है आपको दोस्तों दवाइयाँ, मेडिकल साइंस की एक जेन्युइन नॉलेज, इसके लिए आप मुझसे जुड़ते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।